हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रताप लक के चैनल में। दोस्तों, सुजुकी के तरफ से जो सुजुकी वर्गवन इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने वाला था, मैंने आपको पहले से एक अपडेट दे रखा था कि बहुत जल्द सुजुकी के तरफ से सुजुकी वर्गवन मॉडल आपको इलेक्ट्रिक के वर्जन में देखने को मिलेगा 2022 के अंदर। तो ये बात का जो खुलासा मैंने किया था तो ये बात सच था, क्योंकि दोस्तों अभी उनके तरफ से और एक अपडेट आ चुका है कि सुजुकी वर्गवन जो मॉडल है वो आपको नवंबर 18 में, दोस्तों इस 18 तारीख को उनके तरफ से एक टेजर देखने को मिल जाएगा उनके वेबसाइट पे। तो बहुत बहुत अच्छी अपडेट है कि दोस्तों सुजुकी वर्गवन जो मॉडल था वो आपको 150 किलोमीटर आसपास रेंज दिखाएगा, तो उनके तरफ से ये अपडेट था। क्यों दोस्तों, सुजुकी एक बहुत ब्रांड कंपनी है और उनके तरफ से जितने भी पेट्रोल के बाइक स्कूटर मार्केट में लॉन्च हुई है काफ़ी अच्छी रेटिंग मिल रही है, और माइलेज की बात करें उनके तरफ से काफ़ी अच्छी माइलेज भी मिल रहा है जो पेट्रोल के वर्जन है। तो इलेक्ट्रिक के वर्जन में अगर वो सुजुकी वर्गवन को लॉन्च करता है तो शायद काफ़ी अच्छी रेंज के साथ आपको देखने को मिल जाएगा और मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस से। दोस्तों सुजुकी जितने भी इलेक्ट्रिक पेट्रोल के वर्जन मार्केट में उतारी है वो देखने में बहुत अच्छी है, यानी लुक के हिसाब से बहुत अच्छा है। काफ़ी डिजाइन के इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करते हैं, तो ये जो सुजुकी वर्गवन मॉडल है देखने में तो बहुत अच्छा है। फ्रंट लुक को देखिए दोस्तों, काफ़ी ब्रॉड नज़र आ रहा है और LED के लाइट मिलेंगे यहाँ पर, और फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रेयर में आपको स्प्रिंग लोडेड के सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगा, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, ट्यूबलेस टायर, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील, और दोस्तों सीट काफ़ी लंबी सीट मिलेगी, एकदम फ्लैट सीट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, कोई भी डिजाइन देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर आपको बेजिंग देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत, और दोस्तों इसमें आपको शायद इसके और कोई कलर ऑप्शन में आ सकता है तो अभी कुछ कह नहीं सकते। तो सिर्फ आपको ये जो एक रिवील हुआ है उनके तरफ से, एक पहली बार एक फोटो रिवील हुआ था जो व्हाइट और स्काई कलर के मिक्स में, स्काई कलर की थोड़ा बेजिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जब लॉन्च होगा दोस्तों इसके और कोई कलर ऑप्शन भी आ सकता है, तो देखते हैं नवंबर 18 को उनके तरफ से जो टीजर रिलीज होने वाला है तो देखते हैं वो क्या होता है। दोस्तों सुजुकी के इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आप भरोसा करते हैं या नहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि दोस्तों सुजुकी बहुत बहुत अच्छे डिजाइन के स्कूटर, मतलब कि पेट्रोल के वजन के मार्केट में लाता है, तो उनके तरफ से पहली बार आएगा इलेक्ट्रिक के वर्जन, तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर वो उनके प्राइस 1 लाख के आसपास रहा, 1 लाख के नीचे रहा, तो दोस्तों बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदेंगे। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई हमें 1 लाख के नीचे उसका प्राइस रहता है, और जो 150 किलोमीटर आसपास हो, बस 1 लाख के नीचे उसका प्राइस हो, तो बहुत सारे लोग यही चाहते हैं। तो बस अगर वो इसी प्राइस में और इसी रेंज के साथ मार्केट में आता है तो शायद मुझे लगता है कि वो ओला को और सिंपल वन को भी टक्कर देगी। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय बाय, टेक केयर।